लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। हमारे साथ अनुराग जी हैं और ये पहले चंडीगढ़ के सीआईआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब ये नॉर्थ इंडिया में एमएसएमई के कमेटी के मेंबर हैं सीआईआई के। आज जो बजट आया है, बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि इकॉनमी पे बहुत इफेक्ट डालेगा, लेकिन एकदम शेयर मार्केट गिर गई है। और आपको क्या लगता है कि ये लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं था बजट? देखिए, आम आदमी बजट को सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब से जोड़ते हैं, जबकि मैं समझता हूँ इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए। ऑल दो जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इनकम टैक्स स्लैब की भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उन अनाउंसमेंट्स के हिसाब से भी ओवरऑल जो आम आदमी के हाथ में जो सरप्लस इनकम है, मिडिल क्लास आदमी के हाथ में करीब करीब 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आएगा। उसकी वजह से मेरे हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो जितने भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया है, स्पेशली ऑन द एमएसएमई साइड अगर मैं बात करूं, तो एक करोड़ से ऊपर की फर्म को पहले ऑडिट कराना कंपलसरी था, जो कि अब लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। उससे भी जो है छोटे बिजनेसेस को, लघु उद्योगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और उससे उन्होंने उसके अंदर एक कंडीशन भी रखी है जिसमें 5% से ज़्यादा उनका कैश का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे ये भी बढ़ावा मिलेगा कि डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलेट्स एंड अदर थिंग्स विल इंक्रीज, और उससे काफ़ी हमें उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा आज अगर कोई मंदी का दौर चल रहा है वो स्मॉल स्केल सेंटर और स्मॉल स्केल में और मीडियम स्केल में है, तो आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें एकदम इस सेक्टर में बूस्ट आ जाएगा और एकदम इंडस्ट्री को थोड़ा सांस आने लगे? देखिए, इनमें अगर मैं छोटे उद्योगों की बात करूँ, तो जितना हम छोटे उद्योगों के अंदर अगर हम कंप्लायंस लेके आते हैं, तो छोटे उद्योगों में हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कंप्लायंस नहीं है। अगर हम कंप्लायंस लेके आएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, और अगर हम वो लेके आएंगे, तो अपने आप हमारा बिजनेस जो है वो छोटे से मध्यम लेवल पे पहुँचेगा। आई थिंक जो भी है, हमें जो छोटे उद्योग हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ इन प्लेस रख रही है, बट हम लोग शायद उसको पूरी तरह से, छोटे उद्योग भी उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं। बट हाँ, हमें एज अ इंडस्ट्री बॉडी सीआईए को भी हमें ये है कि उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, ताकि छोटे उद्योगों को उसका बेनिफिट मिल सके जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन का अपना सपना सजा रखा है, क्या वो पूरा हो जाएगा, या जिस तरह से आज के इकोनॉमी के हालात हैं वो होता आपको मुश्किल दिख रहा है? देखिए, 5 ट्रिलियन की उनकी जो उनका जो ख्वाब है, वो जिस टारगेट डेट में उन्होंने रखा है कि मुझे को इस टारगेट डेट तक पूरा करना है 2024 तक, वो 2024 तक अगर नहीं भी होगा तो 2025 में हो जाएगा, 26 में हो जाएगा। एटलीस्ट हम उसकी बात तो कर रहे हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे ज़रूर, और हम उसकी तरफ एटलीस्ट बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि ये एक लॉन्ग टर्म मैराथन है, हम इसको शॉर्ट टर्म 100 मीटर रेस ना लेके चलें इकोनॉमी को। जब हम लॉन्ग टर्म मैराथन के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम एटलीस्ट उस तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी समय हमारी स्पीड तेज़ हो, किसी समय हमारी स्पीड स्लो हो, बट अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो हम एटलीस्ट उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम पहुँचेंगे ज़रूर। थैंक यू। अनुराग जी ने बताया कि 5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने सपना सजा रखा है, उसकी तरफ मोदी जी स्टेप ले रहे हैं। हो सकता है 2024 तक वो ना पहुंच पाए, लेकिन 26, 27, 28 कहीं भी पहुंचेंगे, लेकिन एक टारगेट सेट करना
बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक ये पहुँचे। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।